हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी CUET का पेपर डिस्कस करेंगे, PG का। ये पेपर हुआ था 14 जून को, ठीक है। देखिए, मैंने आपके साथ 26 और 10 जून का पेपर डिस्कस करा, और 14 जून का पेपर एक्चुअली मुझसे मिस हो गया था। मुझे पता नहीं था कि अच्छा 14 जून का भी पेपर है। मैंने 26 और 10 जून के दो पेपर डाउनलोड किए और मुझे लगा कि बस यही दो पेपर हैं। बट आपने में से किसी ने मुझे कॉमेंट करके बताया कि मैम 14 जून का भी पेपर है, आप प्लीज़ उसे डिस्कस कर दें। सो थैंक यू सो मच मुझे इन्फॉर्म करने के लिए, वरना ये पेपर मिस हो जाता और मैं आपके साथ डिस्कस ना कर पाती, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 14 जून का पेपर देखेंगे। एक एक क्वेश्चन जैसा मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ वैसे एक्सप्लेन करके समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ओके। चलिए तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डैश वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द एंथ्रोपोलॉजिकल पार्ट ऑफ द सेंसस ऑफ 2019। मतलब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनको जब 1929 में जो सेंसस हुआ था उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल जो पार्ट था, मतलब उस सेंसस का जो एंथ्रोपोलॉजिकल पार्ट था उसको उसको पूरा प्रिपेयर करने का जो टास्क था वो उनके उनको दिया गया था, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, उनको इंटरेस्ट किया गया था उस चीज़ के लिए कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल पार्ट है इस सेंसस का वो आप संभालोगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। देखिए अब ऑप्शन यहाँ पर क्या है, मीड है, रिसले हैं, सरकार है, गुहा है, ठीक। तो इसमें से एक ऑप्शन तो तुरंत हटा दो, वो है मीड, ठीक है। चाहे ये मार्गरेट मीड हो चाहे ये GH मीड हो, हमसे नहीं मतलब है इनसे, ठीक। अब मेन आता है कौन कौन, रिसले, सरकार और गुहा, जिनको हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको एक टाइम लाइन बताती हूँ सबका, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक। तो देखिए रिसले आते हैं सबसे पहले, ठीक है। रिसले का ईयर क्या था, 1915 था, ठीक है, ठीक। रिसले के बाद कौन आता, हेडन आते हैं, 15 है, ओके। हेडन आते हैं 1925, ओके। हेडन के बाद कौन आता है, हेडन के बाद आते हैं GH गुहा, जिन्होंने पहली बार एक इंडियन जिन्होंने रेशियल एलिमेंट्स इनको इंडिया में क्लासिफाई किया, ठीक, 1935-37, दो बार। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद रॉय आते हैं, रॉय 34 और 38 में, ठीक है, 34 से 38 मतलब रॉय। रॉय के बाद कौन आता है, सरकार, ठीक है, 1958, ठीक। इसके अलावा भी बहुत लोगों ने क्लासिफाई किया है, बोवेल ने क्लासिफाई किया है, ठीक है, रोजिंजस्की ने क्लासिफाई किया, बहुत लोगों ने क्लासिफाई किया, बट ये मेन है जो आपको इतना पता होना चाहिए कि रिसले, रिसले के बाद हेडन, फिर गुहा, फिर रॉय एंड देन सरकार, ठीक। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 1929 में किसने क्लासिफाई किया, तो 1929 में ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल पार्ट जो मिला था, जिसको इंटरेस्ट किया गया था टास्क, वो थे कौन, GS गुहा थे। GS गुहा को ये काम मिला था कि आप जो एंथ्रोपोलॉजिकल पार्ट है सेंसस का उसको आप देखो, ठीक है, आपके जिम्मे किया जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका, और ये सीक्वेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि सॉरी रिसले आते हैं रिसले के बाद हेडन, हेडन के बाद गुहा, गुहा के बाद रॉय, रॉय के बाद सरकार, और मैंने इधर टाइम बता दिया आपसे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें से कौन सा सोशल एंथ्रोपोलॉजी का ब्रांच नहीं है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का ब्रांच इसके पहले वाले पेपर में आया था, हम लोगों ने सॉल्व किया था, मैंने आपको बताया है मेन ब्रांच एंथ्रोपोलॉजी की कौन कौन सी है। तो सोशियो कल्चरल देन फिजिकल देन लिंग्विस्टिक एंड देन आर्कियोलॉजिकल, ठीक। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर देख लो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से मेन ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कौन कौन आता है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आता है, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आता है जिसमें हम लोग कल्चर एंड पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जिसमें हम लोग बार्टर सिस्टम, फॉर्मूले, सब्सटेंटिव व्यू, ये सब पढ़ते हैं, और पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसमें हम लोग नेशन और स्टेट का कॉन्सेप्ट, ब्रांड, ट्राइब, चीफडम, स्टेट, ये सब समझते हैं ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछ रहा है, द कैल्कोलिथिक कल्चरल साइट डैश लोकेटेड इन पाकिस्तान। कौन सी कैल्कोलिथिक कल्चरल साइट पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो, लंगनाज, सोहन या फिर बुरजुम। बहुत इजी आंसर है, आपको पता है कि मोहनजोदाड़ो जो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कैल्कोलिथिक साइट मतलब कि ये हड़प्पन साइट है और जो कि पाकिस्तान में है, और इसके बाद अगर आपको नहीं पता, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोहन है ये प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक साइट है इंडिया की, बुरजुम नियोलिथिक साइट
साइट है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद लंगनाथ जो है गुजरात की मेसोलिथिक साइट है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है, करेंटली पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछ रहा है द क्रेडिट ऑफ क्लासिफाइंग इंडियन पीपल ऑन द साइंटिफिक बेसिस ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू। देखिए आ गया क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको टाइमलाइन बताया कि सबसे पहली बार जिसने साइंटिफिक बेसिस, जिसको एंथ्रोपोमेट्रिक बेसिस पे इंडियन पॉपुलेशन को क्लासीफाई किया था वो कौन थे, वो थे रिस्ले। ईयर भी बता दिया 1915 में इन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया था, ठीक है ना। ठीक, तो ये आता है रिस्ले, रिस्ले के बाद कौन आया था हेडन, हेडन के बाद कौन आएगा गुहा, गुहा के बाद रॉय, देन सरकार। तो ये सीक्वेंस पे भी लगाने को आता है, ठीक, तो आप अच्छे से इसको जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमॉर्फिज्म इज बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर मैं आपको अभी यहाँ समझाने लग जाऊँगी ना, कम से कम मैं आपसे 10 या 15 मिनट ले लूँगी और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे रही हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जिस जैसे मैं कह रही हूँ 15 मिनट चला जाएगा। इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगी, मैं इस क्वेश्चन को लूँगी और आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी जिससे आपको ये अच्छे से क्वेश्चन में समझा सकूँ अलग से। ठीक, अभी मैं बस यहाँ पर आपको आंसर बता दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है RFLP और इसका फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर आपसे थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, यहाँ पर आपसे पूछा कैसे कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे बेस्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, अगर अगर आप में से किसी को फुल फॉर्म पता होगा तो आप ये आंसर करेक्ट कर लिया होगा आपने, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे बेस्ड है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो ये है VNTR है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि VNTR का यूज़ कहाँ होता है, यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन बता दूँ, इसका यूज़ होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में, वहाँ पर VNTR अगर कभी आए DNA फिंगरप्रिंटिंग में अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया होता है किसका लेना देना है तो वो है VNTR का। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। ठीक, इसके अलावा SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और CNV। ठीक है, तो ये जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स हैं अलग अलग टाइप पे। इसको मैं आपसे अलग, मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगी, अभी के लिए आंसर आपको बता दिया मैंने, RFLPs का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगेन मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, द जंप लास्ट थ्योरी वॉज गिवन बाई, मैंने लैमार्किज्म जब आपको पढ़ाया तो वहाँ पर मैंने जंप लास्ट थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई है कि जंप लास्ट थ्योरी क्या है, किसने दिया है इसको, विस्मैन ने दिया। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है जाके लैमार्क की थ्योरी देखी, वहाँ पर मैंने जंप लास्ट थ्योरी भी पढ़ा रखा है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे अगस्त विस्मैन ने लैमार्क को क्रिटिसाइज़ करने के लिए अपनी ये एक थ्योरी और इसमें एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस किया है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, रैट के ऊपर, और रैट की 20 जनरेशन तक टेल कट की थी और क्या था आप जाके देखो। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से जर्मप्लास्ट थ्योरी समझाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे पूछा है पटाऊ सिंड्रोम, पिछली बार पेपर सॉल्व किया था वहाँ पर बताया था पटाऊ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 होती है। ठीक है, तो ट्राइसोमी 13 पटाऊ सिंड्रोम है, 18 पूछा गया था इसके पहले जो हम लोग ने पेपर सॉल्व किया था, तो वहाँ पर 18 क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 21 क्या है, डाउन सिंड्रोम है, और ये जो ट्राइसोमी 11 है इसको डिस्टल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो जो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 11 है इसका जो इसकी जो लॉन्ग आर्म होती है ना वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ब्रेक होके शायद रिज्वाइन कर लेती है, तो इस ये ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाता, तो ज़रूरी है आपको तो 18, 21, 13 ये सब आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, क्राइडू चैट पता हो आपको, क्लाइन फिल्टर पता हो आपको। ठीक है, तो मैं जल्दी से मैं इसको जल्दी से आपको बता दूंगी जिससे कि आपको आइडिया है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आप जानते रहिए 21 इज डाउन सिंड्रोम, 13 इज पटाऊ सिंड्रोम एंड 18 इज एडवर्स सिंड्रोम, और डिस्टल सिंड्रोम 11 होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट आपसे पूछा द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायसेंट्रिक क्रोमोसोम इज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल ट्रांसलोकेशन सेवरल बार बॉडीज ट्रू ट्रेंटोमी पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन एट टू लोकेशन। ठीक है, अब मैंने जैसे आपसे हमेशा कहा है डाई सेंट्रिक, तोड़ दो स्टम्प को, डाई प्लस सेंट्रिक, डाई मतलब क्या हो गया टू, सेंट्रिक मतलब सेंटर, सेंटर्स मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंट्रोमियर्स, करेक्ट ऑप्शन मिल गया।
ऐसे क्रोमोसोम जिसमें दो सेंट्रोमियर हो जाए उसको डाइसेंट्रिक बोलते हैं क्रोमोसोम। वैसे क्रोमोसोम कैसा होता है, नॉर्मली मोनोसेंट्रिक होता है, एक सेंट्रोमियर होता है, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम यहाँ ब्रेक हो जाने की वजह से, ट्रांसलोकेशन या इन्वर्जन की वजह से क्या होती है, दो क्रोमोसोम आके एक अलग पॉइंट पर मिल जाते हैं, इस वजह से क्या फॉर्मेशन हो जाती है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम की, दो दो उसमें सेंट्रोमियर बन जाते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, डाइसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक। तो अगर आपसे पूछे पॉलीसेंट्रिक मतलब जिसमें दो से ज़्यादा यू नो सेंट्रोमियर हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे पूछ रहा है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम इज, क्या है MN ब्लड ग्रुप, किसका एग्जांपल है, को डोमिनेंट का, एक्स लिंक का, एक्स लिंक रिसेसिव का, सेक्स लिंक ट्रेट का। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ये तो हटा ही दो एकदम, आप एकदम दिमाग से सोच लो कि इसका एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, सेक्स लिंक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, MN ब्लड ग्रुप जो से ये है इसका ये किसका एग्जाम्पल है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ को डोमिनेंट। देखिए को डोमिनेंट इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब ऐसे इनहेरिटेंस में दोनों एलील, बोथ एलील क्या होते हैं, दोनों एलील क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रोन कोट कलर ऑफ काउ एनिमल्स। ठीक है, आपने ऐसी बहुत सी गाय देखी होंगी, काउ अपने आसपास आप देखते होंगे, जिसमें जब मान लीजिए ये वाइट काउ है तो इस पर आपको ऐसे ब्लैक कलर के पैचेस दिखेंगे या फिर ब्राउन कलर के पैचेस दिखेंगे, दोनों कलर इक्वली अपने आप को मतलब शो करते हैं। ठीक है, ऐसे इनहेरिटेंस को और क्या बोलते हैं, इसको मोजाइक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, मोजाइक इनहेरिटेंस। ठीक, आपने अपने घर में अगर मोजाइक देखा होगा जो पत्थर लगे होते हैं तो उसमें देखिए ब्लैक कलर भी होता है, वाइट कलर भी होता है, और भी कलर होते हैं, और सारे कलर इक्वली अपना डोमिनेंस शो करते हैं, मतलब दिखते रहते हैं, है ना। तो वही चीज़ हो रहा है MN ब्लड ग्रुप। इसके अलावा अगर कहता है AB ब्लड ग्रुप, तो ये जो AB ब्लड ग्रुप बहुत लोग का होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, को डोमिनेंट का एग्जाम्पल है कि ए भी अपना डोमिनेंस शो कर रहा है, बी भी अपना। तो जब दोनों एलील अपना यू नो किसी उसमें हाइब्रिड में अगर दोनों एलील अपना डोमिनेंस शो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको को डोमिनेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप भी है, MN भी है, और रोन कोट कलर ऑफ एनिमल्स भी है। ये तीनों एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन आपसे पूछ रहा है इन ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स मैटरनल लीनिएज कैन बी ट्रेस्ड टू। देखिए अगेन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, मैं आपसे प्लीज़, आप जितने भी CUET के स्टूडेंट देख रहे हो जिनका एग्जाम अभी होने वाला है, वन सेकेंड ये हो क्या रहा है, हाँ, जितने भी आप CUET के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जितना भी मैंने अभी तक PYQ सॉल्व करा रखे हैं, ठीक है, अपने चैनल पे, आप प्लीज़ वो सारे देख के जाइए, सारे देख के जाइए, मैंने किस PYQ में क्या चीज़ एक्सप्लेन किया है। बिलीव मी कि मुझे खुद नहीं पता होता है मैं किस एक्सटेंट तक चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसी से क्वेश्चन बन जाता है। मैंने जब आप लोगों के साथ माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA पढ़ाया था, जिस क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस किया था माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA के क्या क्या फीचर्स होते हैं, मैंने सब पॉइंट वाइज बताया था उस क्वेश्चन में, वहाँ मैंने बताया था कि जो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA है इसी से हम लोग अपनी जो मैटरनल लीनिएज है मतलब हमारी जो मम्मी की तरफ की पूरी लाइन है, ठीक है, नानी नानी की नानी, इन लोग को अगर हमको ट्रेस करना है तो हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA से कर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनकर आ गया है। ठीक, तो हो सकता है आपके अगर ये पूछा गया है तो आपके पेपर में माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो जिन बच्चों ने मुझे नहीं पता है कि मैंने कहाँ आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की है, मतलब किस क्वेश्चन में डिस्कस की है, बट आप लोग प्लीज़ जितने भी चैनल पे PYQ से रिलेटेड वीडियो है प्लीज़ देख के जाएं, मैंने किस वीडियो में क्या चीज़ बता रखा है, किस टॉपिक के बारे में बता रखा है, तो वो चीज़ ना आप उसको नोट कर लो और अच्छे से याद कर लो। देखिए मैंने माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA डिस्कस किया है, ये मुझे अच्छे से पता, मैंने वहाँ पर बताया माइट्रोकॉन्ड्रियल इसके बारे में, MDNA मैट्रिलिनियर लिंक मैटरनल लीनिएज के बारे में। सो देखिए वही चीज़ क्वेश्चन बनकर आ गई, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ वीडियो देखें, मतलब वहाँ जाके PYQ में देखें। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते वक्त ये नहीं देखती कि मुझे इतना ही बताना चाहिए इतना नहीं बताना चाहिए, नहीं, जो है मैं सब कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड बता देती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है यार इस टॉपिक पर वीडियो क्या बताऊँ, मैं तो इसको क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ जाके देखो, वहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA भी मैटरनल लीनिएज के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन पढ़ाया क्वेश्चन, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, जब अब अगर आप लोगों ने किसी ने भी अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन का वीडियो देखा होगा, अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्या डेटिंग, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया, और भी कई बार मैंने आपको बताया है कि हमारा जो प्रोटीन है वो किसका बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। अभी इनफैक्ट जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अभी
एक दिन पहले वीडियो में ओरिजिन ऑफ लाइफ की जितनी भी थीरीज मैंने आपको बताई वहाँ मैंने बताया कि हम लोग पहले अमीनो एसिड बनाओ फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन का स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड ऐसे मिलते जाते हैं तो क्या बनती है, प्रोटीन, ठीक है। पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, फाइनली प्रोटीन बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन देखिए, जिसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना डाला कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से। हु प्रपोज द थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, अब तो आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। जॉर्ज क्यूवियर, फादर ऑफ मॉडर्न पैलियंटोलॉजी, इन्होंने कैटास्ट्रॉफिज्म की थीरी दी और कहा था कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट अर्थक्वेक और वॉल्केनो जैसी चीज़ें होती रहती है जिसकी वजह से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है और उसके फॉसिलाइज फॉर्म से न्यू लाइफ बनती है, ठीक है। तो जॉर्ज क्यूवियर, फादर ऑफ मॉडर्न पैलियंटोलॉजी इनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सब पढ़ाया क्वेश्चन आ रहा है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ मैंने जब एआई ओपेरिन बताया था आपसे तो वहीं पर, और ये डार्विन की, यू नो डार्विन, जब मैंने डार्विज्म भी पढ़ाया तो वहाँ पर भी मैंने बताया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, पूरी बुक का नाम है। और ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी बुक है, एआई ओपेरिन की, ये भी बुक आ चुकी है नेट के एग्जाम में, तो हो सकता है सीयूईटी में भी पूछ ली जाए, ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी बुक है, वेरी फेमस डार्विन की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, डैज बिलोंग टू सुपर फैमिली सर्कोपिथिकॉइडिया। देखिए अब मैंने जैसे आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस कर लिया, एक टॉपिक बचा है सेलेक्शन। सेलेक्शन यही टॉपिक मैं पढ़ाने के बाद मैं प्राइमेट ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक प्राइमेट से ही स्टार्ट होगा। एक्चुअली अभी मैं इधर इसलिए नहीं डाल रही वीडियोस क्योंकि मेरा फोकस सीयूईटी के बच्चों पे है, क्योंकि सीयूईटी के बच्चों का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ। जैसे ये इन लोगों का, यू नो, इनसे रिलेटेड वीडियोज़ हो जाएंगे, मैं फिर से, जैसे मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको पढ़ा रही थी वैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, मैं फिर से प्राइमेट से वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगी, ओके। तो थोड़ा सा बस वेट करिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चे, आप लोग जरूर जो है ये प्राइमेट का क्लासिफिकेशन एक बार देख के जाए, इससे बहुत कुछ नहीं, बस आपसे क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्कोपिथिकॉइडिया से कौन बिलोंग करता है। आपको पता है कि प्राइमेट को जब क्लासीफाई करते हैं कैटेराइनी और हैप्लोराइनी में, तो ये जो कैटेराइनी, इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है सर्कोपिथिकॉइडिया और होमिनॉइडिया में। और सर्कोपिथिकॉइडिया को जब हम फिर से क्लासीफाई करते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, तो इसके अंदर दो फैमिली आती हैं, एक आती है सर्कोपिथिसिनी और दूसरी आती है कोलोबिनी, ठीक है, कोलोबिनी। तो ये जो सर्कोपिथिसिनी है इसी के अंदर एक मेंबर है जो कि आपके आंसर में भी है, वो है बबून। तो बबून जो है वो सर्कोपिथिकॉइडिया से, सर्कोपिथिसिनी से बिलोंग करता है। और कोलोबिनी के अंदर कौन आता है, मकैक आते हैं, ठीक है। और तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको बस क्लासिफिकेशन ही पता है, ठीक है। तो कई बार बच्चे आपको बहुत, अगर अंदर का एक एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता है, लेकिन अगर आपको एक बार आप क्लासिफिकेशन अपना चार्ट भी तैयार कर लेते हो तो देखिए वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो सर्कोपिथिकॉइडिया के अंदर सर्कोपिथिसिनी और उसका मेंबर कौन है, बबून है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बबून, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है डैश वॉज द कल्चर ऑफ नियंडरथल, मतलब पूछ रहा है नियंडरथल किस कल्चर के कंटेम्परेरी थे, मतलब कौन से कल्चर में नियंडरथल, नियंडरथल ने वो कल्चर वो डेवलप किया था। ऑप्शन इज मॉस्टेरियन, ऑरिग्नेशियन, इंडस वैली या फिर लोअर पैलियोलिथिक। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, मॉस्टेरियन कल्चर। मॉस्टेरियन कल्चर जो है वो जो कल्चर था किसका, वो था कल्चर ऑफ नियंडरथल्स का, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखिए जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है कि जो मीन वैल्यू है उससे कितना जो है जो आपका डेटा है वो डिस्पर्स करेगा, ठीक है। अब ये दो तरीके का हो जाता है, एक एब्सोल्यूट हो जाता है और दूसरा रिलेटिव हो जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट के अंदर क्या क्या है, एब्सोल्यूट के अंदर हम लोग रेंज पढ़ते हैं, वेरियंस पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज है, ठीक। रेंज क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक। अब रेंज में क्या होता है, मैंने इसको आपको जब भी मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराया वहाँ मैंने आपको समझाया कि रेंज क्या है। रेंज एक बस सिंपली क्या है, डिफरेंस है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए आपका एक जो डेटा है उसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं 1, 3, 5, 7
6। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे मैम 7। मैं आपसे कहूँ मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे मैम 1। इन्हीं का जो डिफरेंस है ना, ये 6, यही क्या है, रेंज है, यही क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक, ओके, तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसमें हम लोग वेरियंस वेरियंस है, रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है और मीन डेविएशन है। ठीक है, उसके रिलेटिव में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोफिशियंट रेंज है, कोफिशियंट वेरिएशन है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आइडिया होगा, अगर नहीं होगा तो देखिए मैं कोशिश करूँगी कि ये भी जल्दी से पढ़ाऊँ आप लोगों को, इतना टॉपिक है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 आपसे पूछ रहा है, नियोनेटल पीरियड इज़ फ्रॉम बर्थ टू, नियोनेटल पीरियड किसको बोलते हैं, बर्थ से लेकर कब तक के टाइम को बोलेंगे कि ये बच्चा भी नियोनेट है। ठीक है, नियोनेटल पीरियड में है। ओके, तो देखिए बर्थ से लेकर, मतलब बच्चे के बर्थ से लेकर फर्स्ट 4 वीक्स जो होते हैं, पहले मतलब एक आपको पता है एक मंथ में कितने होते हैं, 4 वीक होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, उस तब तक उस बच्चे को क्या बोलते हैं कि वो नियोनेटल पीरियड में है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 डेज। ठीक है, 28 दिन जो है, मतलब एक महीने, एक जो 4 वीक्स होता है, अगर वीक लिखा होता तो 4 वीक। ठीक है, 4 वीक जो है इसको नियोनेटल पीरियड मानता है, और इस टाइम माना जाता है कि बच्चे की बहुत रैपिड ग्रोथ होती है बच्चे की। ठीक है, चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके अंदर। चलिए ये देखिए, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोगों ने, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 17 के बाद 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, अभी मैंने आपको बताया कि मीन डेविएशन, ठीक है, अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन जितने भी है, कि इससे हम लोग क्या वो मेज़र करते हैं, डिस्पर्जन को मेज़र करते हैं ना। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके की ये सब एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के टाइप्स हैं। ठीक, तो ये आपसे पूछ लिया गया वही क्वेश्चन फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अगेन एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, बच्चे एक बार पढ़ेंगे ना सोचेंगे ये क्या पूछ लिया। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अ रेशियो वेरिएबल और लेवल ऑफ मेजरमेंट, मतलब इसमें से कौन सा एक रेशियो वेरिएबल है, रेशियो में मिलेगा, या फिर आप इसको मेजर कर सकते हो। अच्छा आप देखो, आप किसी के जेंडर को मेजर कर सकते हो, मेल और फीमेल को, नहीं, ब्लड ग्रुप को, नहीं, ओ है, ए बी है, ए है, बी पॉजिटिव है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस को, नहीं, क्या कर सकते हो रेशियो में, हाइट को ना, हाइट को, या फिर एक लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है, हाइट है ना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, और पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट में आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी एक आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी पॉपुलेशन की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास अवेलेबल होती है। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है पॉपुलेशन की। ठीक है, तो आप कोई एजम्पशन नहीं इसमें लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एजम्पशन लगा सकते हो। ठीक, तो इसमें कई तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जेड टेस्ट, जितने जितने आप इसको ऐसे याद कर लो, जितने छोटे छोटे नेम है ना वो सारे पैरामेट्रिक में है, जैसे जेड टेस्ट है, मैं यही बता रही हूँ, टी टेस्ट है, उसके बाद एनोवा है, ठीक है, एनोवा, देन एफ टेस्ट है, ठीक है, पियर्सन कोफिशियंट कोरिलेशन है। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, ये आपके आते हैं इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट में। इसके बाद के अलावा ना जितने भी टेस्ट है ना, जितके बड़े बड़े नाम है, जैसे ये आप देख रहे हो क्रिशकॉल, मैन विटने, उसके बाद काइस स्क्वाड, ये जितने भी टेस्ट हैं, इनके सब ये आते हैं, ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुपलर्स है, उसके अलावा विल्स क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी हैं इसके अलावा, ठीक है, स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन है, जितने भी टेस्ट आते हैं वो सब किस में आते हैं, पैरामेट्रिक में। तो जितने बड़े बड़े नेम है वो सब पैरामेट्रिक में, छोटे छोटे नाम वाले जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, एक एनोवा ही थोड़ा एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, वैसे भी ये मतलब ये वो है क्रॉनिम है, एफ टेस्ट, ये सारे किस में है, पैरामेट्रिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट टी टेस्ट किस में आ जाएगा, आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएगा। ओके, दिमाग में रखना है, पैरामेट्रिक में छोटी स्पेलिंग वाले जेड टी एफ ये सब है, और नॉन पैरामेट्रिक में क्रिशॉल, मान, विटने, ठीक है, ये सब सारे, स्पीयर्स मैन, ये सब सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है ये। ओके, आपसे पूछ रहा है, द फेमस आर्टिकल आर्कियोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स एंड द स्टडी ऑफ कल्चरल प्रोसेस वॉज रिटन बाई, ठीक है, ऑप्शन है आपके हेनरी शेलमैन,
ई इलियट स्मिथ, इमाल दरखाइम या फिर बिनफोर्ड। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेविस आर बिनफोर्ड। लेविस आर बिनफोर्ड फेमस है न्यू आर्कियोलॉजी के लिए। हाँ, इन्होंने जो ये पुराना आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था उससे बहुत ज़्यादा वो जिसको कहते हैं ना बोर्ड हो जाना, वो हो गया था, तो इन्होंने न्यू आर्कियोलॉजी या फिर प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी इसकी बात की थी। ठीक, इनकी एग्ज़ाम में बुक भी कई बार पूछी जाती है, नेट एग्ज़ाम में कई बार इनकी बुक पूछी गई है, तो ये हमारे लिए इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो और इनका तो कोई लेना देना नहीं है दुर्खाइम का। ठीक है, यहाँ पर तो जो ये जो बुक है इसको आप नोट कर लो, ये नया क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये नेट के एग्ज़ाम में भी अभी तक ये इनकी ये बुक ये पूछा गया है। ठीक है, ये पेपर या फिर बुक ये अभी तक नहीं पूछी गई, और दूसरी पूछी गई है लेकिन ये नहीं पूछी गई। ठीक, तो आर्कियोलॉजी का सिस्टमैटिक एंड द स्टडी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, ठीक है, 1965 में इसको किसने लिखा था, आर विनफोर्ड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। ठीक है, इसमें से कौन सा टूल लोअर पैलियोलिथिक कल्चर से नहीं एसोसिएट है, चॉपिंग, एवेवेरियन हैंड एक्सेस, क्लीवर या फिर इंड स्क्रैपर। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर पता चल गया, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन डिस्क्रेपस जो है वो लोअर पैलियोलिथिक की टूल नहीं है। इसके अलावा चॉपिंग, क्लीवर, आपको पता है एशुलियन और एवेबिलियन, ये सब क्या है, पैलियोलिथिक कल्चर हैं यूरोप के। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका, इन डिस्क्रेपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरिकॉर्डियन टूल टाइप। पेरिकॉर्डियन टूल कौन सा है, ठीक है, कैटरपिलर नाइफ है, एशुलियन हैंड एक्सेस है, एवेबिलियन हैंड एक्स है या फिर क्लीवर है। देखिए अब ये जो पेरिकॉर्डियन कल्चर है परिपात, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि कल्चर कहाँ कब का कल्चर है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, तभी आप इसका करेक्ट ऑप्शन बता पाओगे ना। तो देखिए ये अपर पैलियोलिथिक यूरोप के कल्चर, यू नो अपर पैलियोलिथिक कल्चर है यूरोप का। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना, और इग्नेशियन, सेलिट्रियन, मैगडलिनियन, तो वहीं पर हम लोग पेरिगॉर्डियन के बारे में पढ़ते हैं। और पेरिगॉर्डियन कल्चर किस लिए फेमस है, ये फेमस है अपने कैटल पेरोनियन नाइफ के लिए। ओके, इसके अलावा अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी पता था, तो आप अगर आपको ये पता कि होता केवल कि ये अपर पैलियोलिथिक कल्चर से बिलोंग है, तो आप देखो ये भी लोअर पैलियोलिथिक है, ये भी, और क्लीवर भी अभी हम लोग ने ऊपर सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते थे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24। क्वेश्चन नंबर 24 आर्कियोलॉजिकल साइट भीमबेटका इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, बता चुकी हूँ पहले भी और क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है साइट से रिलेटेड। भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ना, मिजोलिथिक साइट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 अगेन जो क्वेश्चन हम लोग को पता है, मिजोलिथिक साइट लंगनाज, अभी ऊपर ही बताया कि लंगनाज कहाँ पर है, गुजरात में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26, जो पता है उस पर टाइम नहीं ज़्यादा वो करना है। 26, कॉपर होल्ड कल्चर इज द फिगर ऑफ, कॉपर नाम ही किसका पढ़ा है कॉपर की वजह से, कैल्कोलिथिक कल्चर है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो हो गया ये भी सॉल्व। 27, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, जहाँ साइट्स डिस्कस कर रखा है वहाँ पर ये क्वेश्चन बताया है, नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा अलग तरीके से यही क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया। द माउंट ऑफ मिट्टाथल इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो मिट्टाथल जो साइट है ये कहाँ की साइट है, हरियाणा की साइट है, और नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मिट्टाथल से रिलेटेड, तो मैंने जब यहाँ पर साइट्स बताया वहाँ पर नेट के जो मैंने वीडियो अपलोड किया साइज से रिलेटेड, वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम पे भी पूछा गया है मिट्टाथल से रिलेटेड। ठीक, तो हरियाणा की ये साइट है मिट्टाथल की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द फेमस बुक द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर वॉज रिटन बाई। देखिए मैंने जब कॉन्सेप्ट PYQ, आई थिंक यही एक वीडियो है जहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट PYQ के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और वहाँ पर मैंने पूरा आपको बताया है एवोल्यूशनिज्म को, मैंने वहाँ पर क्लासिफाई किया है। अगर नहीं किया है तो मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं इस पर जल्दी से एक वीडियो लाऊँ और मैं आपको जल्दी से समझाऊँ कि ब्रिटिश और अमेरिकन और जर्मन स्कूल में कैसे क्लासिफाई किया गया था एवोल्यूशनिज्म को, डिफ्यूजनिज्म को। ठीक है, और वहाँ पर मैंने आपको बताया, मतलब मैंने बताया था कि एवोल्यूशन ऑफ कल्चर जो बुक है इसको किसने लिखा था, यू नो लेस्ली वाइट का क्या काम है, उसके बाद फिर यहाँ पर पार्सन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, WHR रिवर किस स्कूल से बिलोंग करते, कई बार इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए
यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये टेलकट पार्सन। और यहाँ पर तो देखिए सबसे पहली बात तो है मैरियट का, पार्सन का, इनसे कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ कल्चर से। ठीक, अब दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि दोनों एवोल्यूशनिज्म यू नो जितने भी स्कूल्स हैं उससे बिलोंग करते हैं, लेस्ली वाइट है और W.H.R. रिवर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है लेस्ली वाइट हो जाएंगे। ओके, सो लेस्ली वाइट ने एवोल्यूशन ऑफ कल्चर लिखी है, ये बुक मैंने वहाँ पर PYQ में आपको ये पूरा बताया है। लेस्ली वाइट की बुक बताई है, जूलियन स्टीवर्ट की बुक बताई है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बार बार, ठीक है, इन दोनों की बुक बहुत बहुत बार पूछी जाती हैं। लेस्ली वाइट का कॉन्सेप्ट पूरा बताया है, कैसे इन्होंने बताया था कि कैसे टेक्नोलॉजी और यू नो इनका फॉर्मूला जो था वो पूरा मैंने आपको समझाया था अच्छे से, ठीक है। और ये मैरियट और इनका टेलकट पार्सन का तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है नाम का, ठीक। चलिए, तो ऐसे थोड़ा क्वेश्चन को नॉकआउट करके भी, ऑप्शंस को हटा कर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करें, ठीक है, एग्जाम में। देखिए, द बैनर ऑफ ब्रिटिश न्यू रिवोल्यूशनरी स्कूल, आ गया वही पढ़ाया फिर से, आ गया ऑस्कर विल्डे, W.G. Child, आर बेनेडिक्ट, एम मीड, हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि ब्रिटिश न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल जो था उसके यू नो पाइनियर कौन थे, ठीक है, आई होप आप समझ क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस फिर हटाते हैं, मार्गरेट मीड से हमारा कोई लेना नहीं, इनको हम कहाँ पढ़ते हैं, कल्चर पर्सनालिटी में पढ़ते हैं, रूथ बेनेडिक्ट को भी हम लोग कल्चर पर्सनालिटी में पढ़ते हैं, ऑस्कर वाइट को भी, यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, V.G. Child, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक काम और, ये एक चीज़ के लिए और बहुत फेमस है, मैंने बताया भी है, आप बताइएगा, स्पेशली CUET के स्टूडेंट्स आप आंसर करिएगा कि ये जो V.G. Child है ये और किस लिए फेमस है। मैंने आपको इसको बताया भी है, मेरा पढ़ाया हुआ है, सो अगर आप मुझे आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यू नो पूछ भी लिया जाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा कि ये ब्रिटिश न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल के पायनियर होने के अलावा और क्या है, ठीक। चलिए, इनको और हम कहाँ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है, द बुक किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1914 वॉज रिटन बाई। अच्छा, अभी तक हमने जो दो पेपर सॉल्व किए थे 26 और 10 जून वाले, आपने एक चीज़ देखा था वहाँ पर कोई बुक नहीं पूछी गई थी उस पेपर में, लेकिन इस पेपर में कम से कम 3-4 बुक पूछी जा चुकी हैं अभी तक, ठीक है। तो बुक अच्छे से पढ़िए, किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1914 में आपसे पूछा है किसकी बुक थी, तो करेक्ट ऑप्शन ये बुक है W.H.R. रिवर की, ठीक है। तो बुक भी अच्छे से देख के जाइए, जो इंपॉर्टेंट यू नो आपके थिंकर्स हैं उनकी बुक देखिए पूछी जा रही है। वैसे 26 और 10 जून में एक भी बुक नहीं हम लोग ने देखी जहाँ तक मुझे ध्यान है, लेकिन यहाँ इस पेपर में कम से कम 3-4 बुक अभी तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं एवोल्यूशनरी स्कूल के, डिफ्यूजनिज्म के, उसके बाद जैसे M.N. श्रीनिवास हो गए आपके इंपॉर्टेंट थिंकर, देन मेलिनोस्की हो गए, इन सब की बुक जरूर देख कर जाइए, ठीक। 31, अच्छा, अगर आपको एक जगह सबकी बुक चाहिए ना, सबसे अच्छा इसका क्या है आइडिया, मैं आपको बताती हूँ, आप विकिपीडिया पर जाओ, आप उस पर्टिकुलर यू नो आपके जो भी थिंकर उसको सर्च करो, और उसके बाद जब आप रेफरेंसेस में जाओगे या फिर उनके नोटेबल वर्क्स में जाओगे ना, तो आपको सारी बुक ईयर वाइज यू नो सिक्वेंस में आपको मिल जाएंगी एक ही जगह, ज़्यादातर बुक आप पा जाओगे, ठीक है, तो आपको इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 31 था ना, 31 आपसे पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सपोर्टर ऑफ डिफ्यूजनल स्कूल ऑफ थॉट। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, W.J. Perry हैं, R.R. Merritt हैं, A.R. Grover है, या फिर फ्रांस बोआस हैं, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं कल ही आप लोग को बताऊंगी अपने रूम में, उसके बाद इसको कहीं आप जैसे लगा लेना और बार बार इसको देखना है, 2-4 बार बना लोगे तो एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिफ्यूजनिज्म स्कूल है उसके सपोर्टर इसमें से कौन नहीं है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, मैं आपको पहले एक काम करती हूँ, यहाँ पर हल्का सा बता ही देती हूँ इसके बारे में, इसका चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सो देखिए, जो स्कूल ऑफ डिफ्यूज़न था या फिर डिफ्यूजनिज्म था, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, इसमें 3 स्कूल थे, एक तो था ब्रिटिश जैसे एवोल्यूशनरी में था, दूसरा था अमेरिकन, और तीसरा क्या था, जर्मन था, ठीक। तो ब्रिटिश में कौन कौन आता है, यहाँ पर ऐसे नोट कर रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। तो ब्रिटिश में पहले इम्पोर्टेंट जो थे वो J.E. Smith थे, दूसरे कौन से थे, W.J. Perry, तीसरे कौन इंपॉर्टेंट थे, रिवर्स थे, ठीक है, W.H.R. रिवर्स, अभी आपने ऊपर जिसको देखा,
फिर अमेरिकन में कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, फ्रांस बोआस थे, उसके बाद फिर विस्लर थे, क्लार्क विस्लर, देन एयर क्रोबर, ठीक है, एयर क्रोबर। देन जर्मन में कौन थे, रेटजल, फ्रेडरिक रेटजल, देन शिविट, और फिर क्या थे, ग्रेबनर, ठीक है। इन सब के नाम आपको याद कर लेने। अब यहाँ पर देख लो, ठीक है, पेरी हैं, क्रोबर हैं, फ्रेंस बोआज हैं, आर आर मेरिट, इनसे कोई लेना देना नहीं है, हो गया सॉल्व कि नहीं। तो देखिए इसी चार्ट से क्वेश्चन आ गया है, अगर आपको चार्ट पता होगा तो आप कर लेते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो। 32 आपसे पूछ रहा है, बहुत ईजी है, बहुत फेमस क्वेश्चन। ब्राउनिस लॉ मिलिनोस्की ने अपना फील्ड वर्क कहाँ किया, हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते ही हैं यहीं से, इन्हीं से। अंडमानीज पे, निकोबारीज पे, इंडोनेशियंस पे, या फिर ट्रोबिनेंट आइलैंडर्स पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच्चों, ट्रोबिनेंट आइलैंडर्स, है ना। चलिए अंडमानीज पे किसने किया था, किसने किया था, रेडक्लिफ ब्राउन ने ना। ठीक, तो किसकी कहाँ स्टडी हुई है, इस पर भी चैनल पे वीडियो है, जाके देख लेना, आपके यहाँ क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। 32 के बाद 33 आपसे पूछ रहा है, हु एक्सप्लेन द पैराडॉक्सिस इन रिलेशन टू द कल्चर इन हिज बुक मैन एंड हिज वर्क, वेरी फेमस बुक मैन एंड हिज वर्क, बार बार पूछा गया है। किसकी बुक है, हर्स्कोविस्क की बुक है। जब भी हम लोग यू नो एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ने शुरू करते हैं, इन्हीं से पढ़ते हैं, तो मैन एंड हिज वर्क, ये हर्स्कोविस्क की बुक है, नोट कर लो इसको, आप में से जिसको नहीं पता है। चलिए 34 फेमस बुक पूछी जा रही है। अभी तक एक ही बुक मैंने वही उनकी देखी है, नहीं तो बेनफोर्ड की, वरना आप लोगों में बहुत फेमस बुक ही पूछी जा रही है, तो ज़रूर देख कर जाइए उसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम किसने दिया है, देन आपको जितने भी कॉन्टिन्यूम है अभी तक मैंने सारे बता रखे हैं पेपर, मतलब कि क्वेश्चन में सॉल्व करा रखे हैं, तो आप क्वेश्चन अगर आप PYQs देखे होंगे चैनल पर तो आपको पता होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सुरजीत सिन्हा है, यहाँ पर सुरजीत सिन्हा ने टाइप कास्ट कॉन्टिन्यूम की बात की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 अगेन एक फेमस बुक है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, सॉरी 1962 में, किसकी बुक है, ठीक है, एम एन श्रीनिवास, स्वरथि, पी के सेठ, या फिर ए के शाह। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बताना पड़ेगा, कौन है भाई, एम एन श्रीनिवास है ना, पूरा नाम क्या है इस बुक का, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, ना, एम एस श्रीनिवास। जैसा मैंने आपसे कहा, फेमस बुक, फेमस थिंकर, एम एस श्रीनिवास, मिलिनोस्की, ब्राउन, ओके, इन सब की बुक जरूर देख कर जाइए, इनसे, इन्हीं लोग की बुक आपके यहाँ पूछी जा रही है, वो फेमस बुक। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज किसकी बुक है, एम एस श्रीनिवास की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 देख लें, 36 पढ़ा रखा है ये भी, वो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ नेशनल कैरेक्टर, पढ़ा रखा है भाई, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ नेशनल कैरेक्टर, की स्टडी किसने की, बहुत अच्छे से मैंने जब आपको रुथ बेनेडिक्ट आपसे डिस्कस कर रखा है, मार्गरेट मीड आपसे डिस्कस कर रखा है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे इन लोगों ने नेशनल कैरेक्टर्स की स्टडी की है ना। तो अगर इस यहाँ पर इस क्वेश्चन में मीड के अलावा अगर ये ऑप्शन भी रहती ना, रुथ बेनेडिक्ट, आपको पता है क्राइसेंथेमम एंड द सॉर्ट, मैंने आपको बहुत अच्छे से चैनल पे वीडियो डाल रखा है इनके ऊपर, और बहुत अच्छे से वहाँ समझाया है ना कि कैसे ये लोग कल्चर, पर्सनालिटी या पर्सनालिटी कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, उसको समझाने के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने ये सब, ये तो स्टडी की है, साथ ही साथ इन्होंने कैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम नेशनल कैरेक्टर्स की स्टडी की है, कैसे तो आप करें, तो अगर यहाँ पर मीट के अलावा अगर रुथ बेनेडिक्ट भी ऑप्शन में होती तो आप उनके साथ भी चले जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्गरेट मीट हो जाएंगी, ठीक है, मार्गरेट मीट है। एक मीट और है जिनको हम पढ़ते हैं, वो है जीएच मीट, कन्फ्यूज नहीं होना है, हम लोग यहाँ मार्गरेट मीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 37 देख लेते हैं, 37 लीजिए, ऊपर बात किया और यहाँ पर आ भी गई, पैटर्न ऑफ कल्चर किसकी बुक है, रुथ बेनेडिक्ट की बुक है, चैनल पे वीडियो है, रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, सब पढ़ा रखा है मैंने, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, बहुत फेमस भी किताब है, बार बार पूछी जाती है, जितने फेमस थिंकर उन्हीं की बुक पूछी जा रही है, आप देख लो। 38 के बाद 39 देखते हैं, 39 आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फोर्थ पुरुषार्थ, जो चार पुरुषार्थ है हमारे, उसके अंदर क्या, चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है ना, मोक्ष है,
चार पुरुषार्थ हमारे हैं, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट इसमें नहीं है, रिचुअल्स नहीं।